गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप आज की हमारी बिंदु की जो हेडिंग देख रहे हैं वो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। एक बार मैं आपको पुनः स्मरण करवा दूं कि गोलीय दर्पण में हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध तक अध्ययन कर चुके हैं और उस पर संभावित न्यूमेरिकल्स, जिसमें दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और उन न्यूमेरिकल्स में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है न्यूमेरिकल्स की भाषा और न्यूमेरिकल्स के चिन्ह निर्धारण होते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझाए हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और आपके जहन में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स के बारे में संकोच नहीं होगा। यदि आप में फिर भी कोई संकोच है तो आप जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के दूरभाष नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज हम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और प्रतिबिंब निर्माण में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी। इस प्रकार के कुछ नियम देखते हैं और उन नियमों में से कुछ एक नियमों का उपयोग हम जो है दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के समय करेंगे। तो देखो प्रतिबिंब कब बनता है, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा हुआ है ईबी। इस बिंब पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, किसका प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण इस बिंब से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर के दर्पण की ओर गति करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी किरणें दर्पण पर जाकर के गिरती है और दर्पण से वापस यहाँ से परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद ये किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को इस वस्तु के या इस बिंब के बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बिंब से बहुत सारी अनेकों संख्याओं में प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। लेकिन हम अध्ययन की सरलता के दृष्टि से, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से एक या दो प्रकाश किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। हम किरण आरेख में दो या तीन प्रकाश किरणों का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिंब से केवल दो या तीन प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही है। बिंब से तो लाखों प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है, लेकिन हम अध्ययन की सरलता की दृष्टि से दो या तीन प्रकाश किरणों का उपयोग करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, उसके पश्चात हम जो है प्रकाश किरणों से किरण आरेख बनाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करने वाले हैं। तो देखो अपन दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए बात करेंगे, ये बात उत्तल के लिए भी बात करेंगे और उत्तल अवतल के लिए भी बात करेंगे। सबसे पहले स्थिति अपन क्या लिखेंगे, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। देखिए, यदि बिंब अनंत से है, ठीक है, तो प्रकाश किरण कैसे लेंगे अपन, ध्यान से दीजिए। अगर कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो उससे जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समानांतर आएगी। क्योंकि जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, सॉरी, ठीक है। यदि बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो ये प्रकाश किरणें जो है इसकी जो मुख्य अक्ष होगी उसके क्या आएगी, समानांतर आएगी। तो आप क्या कह सकते हैं, अर्थात जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो,
ठीक है। देखो एक ही बात है, यदि आपको कह दे कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, इसका मतलब बिंब कहां पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। तो ये अवतल दर्पण, ये आपको पता है कि ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये इसका ध्रुव पी, ठीक है ना। और अगर मैं इसके साथ ही ठीक है यहां पे उत्तल दर्पण ले लूं, तो उसके लिए भी अपन साथ साथ में बात कर लेंगे। ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण का प्रावर्त पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव। देखो यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, चाहे वो ऊपर से आए चाहे नीचे से, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जैसा कि अपने मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा में पढ़ा था, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसी जाएगी, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु इस दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस बिंदु कहलाएगा। यही कंडीशन यहाँ पे मुख्य फोकस बिंदु कैसा होगा, वास्तविक। अच्छा इसमें अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे तो जाएगी नहीं, और नहीं इसको क्रॉस कर सकती, क्योंकि आगे हमने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से इस प्रकार परावर्तित होकर के जाएगी, और इसको मैं पीछे की ओर अगर ड्रॉ करूँ, तो ये हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि अपने मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा में पढ़ा था। यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से वास्तव में गुजरती है, या मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये कंडीशन कौन से दर्पण के लिए है, यह है अवतल दर्पण के लिए, और ये कौन से के लिए है, यह है उत्तल दर्पण के लिए। देखिए अपन इस नियम का, इस प्रकाश किरण का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे जब अपन किरण आरेख बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, अवतल दर्पण में, तो मुख्य फोकस बिंदु से वास्तव में जाएगी, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। यहां वास्तव में नहीं है, प्रतीत हो रही है, इसलिए यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। फोकस बिंदु भी कैसा है, आभासी है। यहां फोकस बिंदु कैसा है, वास्तविक है। क्यों है वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में यहां से गुजर रही है। तो यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब भी बनता तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी कि यहां प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये अपना पहला नियम हो गया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समानांतर हो, तो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस बिंदु से वास्तव में गुजरेगी, या मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अब अगला देखिए अपन, दो नंबर नियम देखिए आप, दूसरा, यदि प्रकाश किरण पहले का मैं जस्ट उल्टा कर देता हूं, मुख्य फोकस बिंदु जिसको अपने किससे लिखते हैं, एफ की ओर निर्देशित है, बी मुख्य फोकस बिंदु की ओर आपतित हो रही है, और या निर्देशित है, मुख्य फोकस बिंदु की ओर निर्देशित है। यानी कि प्रकाश किरण अपने ऐसे भी ले सकते हैं, मुख्य फोकस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसकी क्या है भाई, मुख्य अक्ष है। अब देखिए हमें पता है कि इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु मान लो ये है, ठीक। और अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। देखो ये कह रहा है प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु की ओर निर्देशित है, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है मुख्य फोकस बिंदु से, ठीक है। इसमें मुख्य फोकस बिंदु तो कहां पे होगा, मान लो यहां है, तो प्रकाश किरण इसकी ओर निर्देशित कैसी होगी, यानी कि ये मुख्य फोकस बिंदु की ओर क्या है, निर्देशित है, ठीक है। अब परावर्तन के पश्चात क्या होगा, देखिए ये मुख्य फोकस बिंदु की ओर क्या है, निर्देशित है। तो अब देखिए परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, और ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी।
ये दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर के दर्पण प्राप्त होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ऐसा ही अवतल दर्पण में होगा और ऐसा ही किस में होगा, उत्तल दर्पण में होगा। ये पॉइंट नंबर कितना हो गया अपना, दो। ठीक है, अब अपन तीसरा इसमें नियम देखते हैं। देखिए, देखो इन नियमों को एक बार देख लो, ज्यादा इतने क्योंकि 10th क्लास में इनको थ्योरी के रूप में पूछ सकते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ प्राप्तित होती है तो बताइए परावर्तन के पश्चात वह कहां से निकलेगी, तो उत्तर होगा अपना फोकस बिंदु से। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है या वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर के निर्देशित है, तो देखिए वक्रता केंद्र से निर्देशित है तो देखिए अपन क्या करेंगे इसमें, वही दर्पण बनाते हैं अपन। पहले देखो ये हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसकी क्या है फोकस दूरी, सॉरी मुख्य अक्ष, ये इसका दुरूपी, मान लो ये इसका फोकस बिंदु है और ये मान लो इसका क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर के आपतित हो रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर के इस प्रकार से आपतित हो रही है, यदि मैं उत्तल दर्पण में बात करूं तो ये उत्तल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु F और ये इसका वक्रता केंद्र C। यदि प्रकाश यहाँ पे, हमें ये तो पता है कि रियल में तो यहाँ से जाएगी नहीं, इसकी ओर केवल क्या होगी निर्देशित होगी इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा, देखिए यहाँ प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है परावर्तक पृष्ठ पर, तो अगर मैं इस छोटे से अल्पांश को देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ प्रकाश किरण दर्पण पे लंबोतापित हो रही है, और अपने परावर्तन की घटना में पढ़ा था कि जब लंबोतापित होती है तो जिस पथ के अनुदिश आती है वापस उसी पथ के अनुदिश चली जाती है, यानी कि ये ऐसे आई है तो परावर्तन भी कैसे होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ अगर इस छोटे से अल्पांश को देखा जाए तो इस पर देखो ये क्या है लंबोतापित हो रही है, लंबोतापित हो रही है तो ये प्रकाश वापस क्या करेगा उसी पथ का अनुसरण करेगा, यानी कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसका पॉइंट नंबर चार देखिए, चौथा नियम इसका अपन देखिए, तो चौथा नियम क्या है देखो, चार नंबर नियम, चार नंबर ये कि यदि प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के, प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के दूरों पर, दूरों मतलब तो पी यानी कि पोल, दूरों पर आपतित होती है, देखो ये गोलीय दर्पण ये कौन सा है अवतल, इसको ये अवतल बना दिया मैंने। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव पी, ये कौन सा है उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव पी। देखो ये कह रहा है अगर ध्रुव पे आपतित होती है तो पहले ध्यान से देखिए ये क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर ध्रुव पे आपतित होगी प्रकाश किरण तो कैसे होगी, इस प्रकार से आपतित होगी, मान लो ये आपतन कोण कितना है आई। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये जो मुख्य अक्ष है ये अब इस पे क्या है लंबवत है, यानी कि अभिलंब का काम कर रही है, तो जितने कोण पे आपतित होगी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उतने ही कोण से ये क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। ऐसा ही इसमें होगा, इसमें अगर इस प्रकार से आपतित होती है आपतन कोण आई पे तो ये वापस क्या हो जाएगी परावर्तन कोण आर से क्या हो जाएगी
परावर्तित हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे कोण जो आई है वो हमेशा किसके बराबर होगा, कोण आर। यानी कि परावर्तन के नियमों की पूर्णता क्या हो रही है, यहाँ पे पालना हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सबसे मेन बात है वो ये है कि यहाँ जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है ये यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य कर रही है। तो आप ये स्टार लगा के यहाँ पे लिख सकते हो कि इस स्थिति में मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। और अभिलंब के साथ में ये आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण है। ये परावर्तन कोण, क्योंकि ये कैसी किरण है, परावर्तन किरण है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपसे अगर ऐसी स्थिति देख करके आपसे ये पूछ ले कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। तो ये चार नियम है, ठीक है ना, कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुवपापतित होती है तो वो किस प्रकार परावर्तित होगी, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र प्राप्तित है तो वो किस प्रकार से परावर्तित होगी, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित है तो वो किस प्रकार परावर्तित होगी, और यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित है तो वो किस प्रकार से परावर्तित होगी। ये चार जो है नियम है जो कि हमारे किरण आरेख में हमारे लिए बहुत ही क्या रहेंगे, उपयोगी रहेंगे। अब जो हम इस चैप्टर का सबसे जो थोड़ा सा अपन कहें कन्फ्यूजनल जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब का निर्माण किरण आरेख की सहायता से। तो देखिए अपन पहले अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे और फिर उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। अपन इन्हीं चारों नियमों में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति का और उसकी प्रकृति का और उसके साइज का निर्धारण करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, किरण आरेख से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, किरण आरेख की सहायता से अपन जो है प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन बात जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, यानी कि फॉर कॉनकेव मिरर, ये आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन अपन देखते हैं, यदि बिंब अनंत पर स्थित है, अनंत मतलब बहुत दूर स्थित है, और अभी अपन ने पहले ही नियम में बात की थी यदि बिंब बहुत दूर यानी कि अनंत पर स्थित है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है, समानांतर आती है। यानी कि इसमें देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूं, केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए, ये मेरा क्या है अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण बना लिया मैंने, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है बिंदु P यानी कि ध्रुव। देखिए यदि बिंब अनंत पर है तो हमें पता है कि प्रकाश किरणें, जब बिंब अनंत पे होता है तो प्रकाश किरणें क्या आती है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो एक प्रकाश किरण ये ले लो मुख्य अक्ष के समानांतर और एक ही इसके समान दूरी पे यहां ले लो आप, ये भी क्या आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष के क्या आ रही है समानांतर आ रही है, थोड़ा सा सही बना लेते हैं अपने इसको, ये भी मुख्य अक्ष के क्या आ रही है समानांतर। ये परावर्तन के पश्चात आपको पता है कि मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है और ये भी मुख्य समानांतर है, ये भी कहाँ से जाएगी मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। तो ये परावर्तन के पश्चात ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पे, कौन से बिंदु पे, फोकस बिंदु पे। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, फोकस बिंदु पे होगा। तो अब यहाँ से आपसे तीन चीज़ें पूछी जाती है, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखो आप प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताओगे, पोजिशन ऑफ इमेज या इमेज पोजिशन, सीधा लिख लो आप इसको इमेज पोजिशन, इमेज कहाँ पे बन रही है। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, आप बताया था परावर्तन के पश्चात जहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं क्या होता है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, मुख्य फोकस बिंदु F पर, मुख्य फोकस बिंदु F पर बनेगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए,
ये जो प्रकाश किरणें यहां पे वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है? वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रकृति यानी कि नेचर, तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक है, क्योंकि किरणें यहां पे क्या कर रही है? वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है। और जब भी वास्तविक होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा यहां पे? वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरी बात, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज। तो देखिए प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? प्रतिबिंब का साइज का मतलब है कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है बिंब से या बड़ा। देखो बिंब कहां पे है? अनंत पे है, लेकिन प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस बिंदु पे, छोटा सा है, बिंदु नुमा है। तो अपन क्या लिखेंगे? बिंदु साइज। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बिंदु साइज। अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो इमेज पोजिशन एट मेन फोकस पॉइंट एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज अपने क्या कहेंगे? पॉइंट साइज। तो ये तीन बातें आपसे पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एक बिंब अनंत पे रखा हुआ है, तो बताइए अवतल दर्पण के द्वारा उस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकृति का होगा और साइज कैसा होगा? तो आप क्या कहोगे? बिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस बिंदु पे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, प्रकृति क्या होगी? वास्तविक है, उल्टा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बिंदु साइज। ये अपन ने पहली स्थिति की बात कर ली। अब अपन दूसरी स्थिति इसकी देखते हैं। तो देखिए दूसरी स्थिति इसकी क्या है? देखिए ये बिंब कहां पे रखा गया है? अनंत पे। अब देखो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है यदि बिंब अनंत व वक्रता केंद्र सी के बीच या सी से परे स्थित है। देखो ये दो लैंग्वेज पूछ सकता है आपसे, ये भी दे सकता है सी से परे स्थित है, या आपको ये भी दे सकता है अनंत और वक्रता केंद्र सी के क्या बीच है। इंग्लिश मीडियम में अपने कि जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो आप इसका क्या आंसर देंगे? तो देखिए सी से परे या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा? देखिए ये है अवतल दर्पण, ये है इसका मुख्य अक्ष, ये इसका पॉइंट P यानी कि ध्रुव, मूल बिंदु ध्रुव, ठीक है। ये मान लो इसका क्या है? फोकस बिंदु F है। जितनी दूरी पे ये फोकस दूरी है उतनी दूरी पे आप क्या लीजिए? वक्रता केंद्र लीजिए, ताकि आपका प्रतिबिंब निर्माण जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। तो यानी कि ये दोनों दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। अब कंडीशन क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत कहां पे है? अनंत इधर है, वक्रता केंद्र कौन सा रहा? ये रहा। इन दोनों के बीच कहीं स्थित है या सी से परे, सी से परे मतलब मैं मूल बिंदु पे खड़ा होकर देखूंगा, सी से परे कहां होगा? उधर होगा। तो मान लो मैंने ये यहां बिंब रख रखा है, ये मेरा बिंब है पी क्यू, कोई क्या है? बिंब है। मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कहां बनेगा? देखिए मैं एक तो प्रकाश किरण लेता हूं समानांतर वाली, जैसे अपने नियम पढ़े थे ना उसमें से एक समानांतर वाली प्रकाश किरण ले लेते हैं। देखिए ये प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या रही है? समानांतर, है ना। अब ये समानांतर आ रही है तो हमें पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो, थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं अपन, ये मुख्य अक्ष के क्या रही है? समानांतर। जो समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण अपन कौन सी लेते हैं? मुख्य फोकस वाले लेते हैं, जो अपने दूसरे नियम में पढ़ा था। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर के दर्पण प्राप्तित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। देखो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको अपन, ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई? ये
ये मुख्य अक्ष की क्या होगी? समानांतर। तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पे काट रही है? यहाँ काट रही है। तो ये इसका शीर्ष, तो देखो शीर्ष से आ रही है तो यहाँ पे शीर्ष बनेगा, यानी कि ये यहाँ पे हमारी इमेज बनने वाली है। ये इसका इमेज का शीर्ष पी डैस और ये इसका आधार, सॉरी शीर्ष क्या है इसका? क्यू डैस है और आधार क्या है इसका? पी डैस है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज। ये हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन रही है। तो ध्यान से देखो इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति डायग्राम से देख करके लिखेंगे अपन। प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखिए प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब इमेज पोजीशन कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी व एफ के बीच। दूसरी बात अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो देखो कैसा है, वास्तविक है, किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है और उल्टा है या नहीं है, शीर्ष नीचे की ओर बन रहा है और आधार है वो क्या पे इसका? ऊपर की ओर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे देंगे अपन? वास्तविक व उल्टा। तीसरी बात प्रतिबिंब का साइज, तो क्या अब की बार पॉइंट साइज है क्या? नहीं है, लेकिन ये बिंब इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है? इतना सा है। तो अपने क्या कहेंगे? छोटा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा। बिंब से क्या बनेगा? छोटा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में अगर अपन बात करें, इमेज पोजिशन बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मेन फोकस पॉइंट, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब निर्माण है ना किरण आरेख से, ये आपसे 10th बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है ना, अगर और कहीं इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधा आपने से ये देख करके ये पूछ लेंगे। ठीक है, अब तीसरी बात, एक बात ध्यान से देखना। देखो जब ये अनंत पर था बिंब, कहां पे था? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां पे बना था? फोकस पॉइंट पे। अब बिंब क्या आ गया? नजदीक। तो प्रतिबिंब कहां पे चला गया? दूर चला गया। फोकस पॉइंट से क्या चला गया? इधर। यानी कि जैसे जैसे बिंब दर्पण की ओर गति करेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर गति करेगा। तो देखिए अपन तीसरी स्थिति देखते हैं इसकी। तीसरी स्थिति इसकी क्या है? देखिए स्थिति नंबर 3, यदि बिंब वक्रता के अंदर सी पर स्थित है, कहां पर स्थित है? वक्रता के अंदर सी, यानी कि पॉइंट सी पर आ गया अब। ठीक है, तो मतलब कैसे? वही देखो, ये अवतल दर्पण, ये क्या है इसका? अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये दोनों पी, ये मान लो फोकस बिंदु एफ और इतनी दूरी पे ये क्या ले लो आप? वक्रता केंद्र सी। अब की बार बिंब कहाँ रखा हुआ है? वक्रता केंद्र सी पर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ रखा हुआ है, ये बिंब है, कैसा है? पी क्यू। वही दो किरण लेंगे, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, दूसरी अपन मुख्य फोकस बिंदु वाले लेंगे, जो मुख्य फोकस बिंदु से होकर के आपतित होगी वो, ये देखो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है कि जब C पर होता है तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है? C पर, और स्मॉल साइज का बनता है। तो पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये तब तक अपने आप सही नहीं बनेगा जब तक ये गोलाई अपनी सही नहीं होगी, ये दूरियां अपनी बिल्कुल नाप करके सही नहीं ली होगी। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे करके इसको जो है व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो देखिए ये आप इतना सा ध्यान रख लेना कि जब बिंब सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, और समान साइज का बनता है, यानी कि यहां से इसको अपने को ऐसे मिलाना पड़ेगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया अपना फोकस बिंदु। अब जो फोकस बिंदु से आकर के जो गिरेगी प्रकाश किरण, वो भी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये परावर्तन के पश्चात यहां काट रही है, तो यहां पे क्या बनेगा? ये क्यू डैश और ये क्या बनेगा? पी डैश। तो यानी कि स्थिति क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की? स्थिति हो जाएगी बिंदु सी पर ही। ठीक है, प्रकृति तो आपको दिखाई दे रही है, कैसा है? वास्तविक व उल्टा है, और साइज कैसा है? साइज यहां पर समान साइज है।
ठीक है। तो देखिए ये अपने जो है प्रतिबिंब निर्माण पढ़े हैं, तीन स्थितियां पढ़ी हमने अवतल दर्पण के लिए। इससे आगे की जो तीन स्थितियां हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, इनको आप आराम से देखिए, ठीक है। ये एक जो स्थिति है इसको थोड़ा सा आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, बाकी स्थितियां जो है आप अगर ध्यान से किरण आरेख की सहायता से बनाते हैं तो आसानी से बने जाती है, ठीक है। तब तक के लिए अगले लेक्चर में अपन जो है इसकी बाकी की जो तीन स्थितियां और उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।